गायत्री जो आप जानते हैं, ये जो मंत्र है ये ब्रह्मा जी ने रचा, और इसको विश्वामित्र जी जिन्होंने बहुत तपस्या की, इतनी तपस्या की कि क्षत्रिय शरीर होते हुए भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया, ब्रह्मत्व को प्राप्त किया, और उस पद तक पहुंच गए कि विश्वामित्र जी भी देखते रह गए, वहां तक पहुंच गए। उन्होंने उन्हें ये मंत्र प्राप्त हुआ, इसी को इसका दरा के ऊपर जो प्रचार प्रसार और मंत्र को लाने वाला विश्वामित्र जी को माना जाता है। इसका वेदों के अंदर भी वर्णन है, यजुर्वेद में भी है। इसका केवल मात्र वेदों में ही वर्णन नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के मुख से भी ये सुनने को मिला है। गायत्री छंसा महम कि छंदों में मैं गायत्री हूं, तो कितनी बड़ी बात है ये। और आप, हमारा परिवार आर्य समाज से जुड़ा रहा है, आर्य लोग भी इसको मानते हैं, जो बिना आर्य है वो भी इसको मानते हैं, सब लोग यज्ञ में भी इसको अहमियत दी जाती है। कोई भी पुण्य कार्य हो इसका उच्चारण किया जाता है। ये मानव के जीवन में संजीवनी बूटी की तरह से प्रयोग होता है, और वैसे ही ये कार्य करता है। ये एनर्जी का स्रोत है। जब पितरों को संतुष्ट किया जाता है, पंडित लोग गायत्री का पाठ करते हैं, उसे पितर संतुष्ट हो जाते हैं। जब देवताओं को संतुष्ट किया जाता है, स्वयं गायत्री को गाया जाता है, उसका पाठ किया जाता है। जब ध्यान लगाया जाता है तो गायत्री का पाठ किया जाता है। तो ये कितना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना आध्यात्म वेद शास्त्र यज्ञ और मानव का जो जीवन है वो अधूरा रहता है। इसके द्वारा ध्यान भी किया जाता है, इसको कर्मकांड में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको ध्यान में भी इस्तेमाल किया जाता है ज्ञान के लिए। इससे जब देवता इतने मजबूत हो जाते हैं, इसको रक्षक के तौर के ऊपर भी इस्तेमाल किया जाता है कि ये हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि मंत्रों के अंदर शक्तियां होती हैं, मंत्रों के अंदर ताकत होती है, और वो पावर आपके चारों तरफ, आपने देखा टीवी में देखा होगा कि श्री राम लक्ष्मण लड़ रहे हैं, ऐसे घेरा बन गया, वो एनर्जी का घेरा होता है। ये मंत्रों की ताकत होती है, और मंत्रों का अलग अलग प्रभाव होता है। जो ये एनर्जी का घेरा होता है, ये नेगेटिव को आपके अंदर नहीं घुसने देता। और जब ये गायत्री का इतना मजबूत चक्कर होगा एनर्जी का, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी, बुरी आत्माएं नजदीक नहीं आएंगी। इसका लाभ इतना है, हद से ज्यादा हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ भी शुभ कार्य कीजिए, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता तो मात्र गायत्री का हवन कर देता है। आर्य समाज जी गायत्री का हवन करते हैं, तो इसका लाभ इतना है, इसका वर्णन इतना है, वेदों से लेकर के आपके जीवन तक हर चीज को ये प्रभावित करता है। इसकी अक्षमता इतनी है, बहुत ज्यादा आपकी आत्मा में ये तेज भर देता है।
आपकी आत्मा को ये पवित्र कर देता है, आपके शरीर के रोगों को भी ये दूर करता है, आपके परिवार के रोगों को भी दूर करता है। कि आप गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, और बहुत से सिद्ध भी इसका पाठ करते हैं कि इसका पाठ कीजिए और जो एनर्जी तैयार होती है उसको जल के अंदर डालिए और छिड़क दीजिए, उसका प्रभाव गंगा जल की तरह से ही होगा और वो नेगेटिव जो ऊर्जा जो आपके घर में भर गई थी वो अपने आप ही टूटने लगे, कन्वर्ट होने लगे। जहां आप इसका पाठ शुरू करोगे वहां समय बदलना शुरू हो जाएगा, आपके विचार बदलने शुरू हो जाएंगे, आपके चेहरे के ऊपर नूर आना शुरू हो जाएगा और सारा सब कुछ अपने आप ऐसे बदलेगा जैसे कोई पकड़ करके अपने समय को एडजस्ट, अपने अनुसार समय को डाल रहा है। इतना प्रभाव होता है शिकायत्री का। तो ये जो मंत्र है, मैं क्या कहूँ कि आप रटो ना रटो, ये तो आपके लाभ इसको पता है, इसको तो कोई नकार ही नहीं सकता, इसके ऊपर तो रिसर्च भी हो चुकी है, सब देवों ने इसकी गवाही दी है। तो फिर क्या रह गया? कम से कम जो किसी के पास अगर सिद्धों ने किसी के ऊपर कृपा करके उन्हें रास्ता नहीं दिखाया, वो किसी नाम को नहीं जानते, परमात्मा के किसी मार्ग को नहीं जानते, तो वो लोग सबसे महत्वपूर्ण है कि कम से कम गायत्री को, गायत्री मंत्र का वो प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान के लिए भी, ऊर्जा के लिए भी, शांति के लिए भी और आध्यात्म के लिए।